हेलो दोस्तों, आज अगेन हम दूसरी वीडियो आपके सामने लाए हैं। पहली वीडियो जरूर देखिएगा, कैसे हमें हमारे दिए गए टारगेट अचीव होते हुए नजर आए, कैसे 119% के रिटर्न 5 महीने में नजर आए, आपको चीजें समझ में आएगी। अब हम यहाँ पर दूसरा शेयर आपके सामने लाए हैं जिसका नाम है जयप्रकाश वेंचर लिमिटेड, जेपी पावर से नाम से यहाँ पर ये जाना जाता है। यहाँ पर देखिए कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है, वो सब जानेंगे जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल कैसे यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न आपको शायद मिल सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल नजर आता है। चीजें यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर चीजें शायद यहाँ पर काम करती नजर आ सकती है। बट आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, ऑल को नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाय एंड सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कुछ स्टडी करना है, सीखना है। सीखने के लिए बहुत सारी वीडियोज है, आप कहोगे इतनी सारी वीडियोस, हाँ इतनी सारी वीडियोस, बट आप सीखना चाहते हो तो वीडियोस देखनी पड़ेगी तभी जाके समझ में आएगा। अदरवाइज आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो तो वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल डेली बेसिस पे जो वीडियो आती है देखिए और हमारे कोर्स से सीख लीजिए। बेसिक टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल, शेयर कब लेना है, कब बेचना है, कब भागेंगे, कब गिरेंगे, क्यों भागेंगे, क्यों गिरेंगे, वो सब जानकारी आपको मिलेगी। 25,000 रुपए का कोर्स है, 3 मंथ्स की हैंड होल्डिंग, स्ट्रेटजी यूज इन स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन नोट सब कुछ दिया जाएगा। कोर्स कंप्लीट होते ही साथ बस 6 महीने से 1 साल मेहनत कर लेना, आप खुद ही अलग लेवल पे पहुंचते हुए नजर आओगे सीखने के। और बाकी आप अगर साथ में यहाँ पर काम करना चाहते हो तो भी 8860540501 और इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और 1 जनवरी 2025 से इस कोर्स की कीमत सीधे डबल होगी, 50,000 रुपये, ठीक है। उसमें आपको और चीजें मिलेगी बट स्टिल आप इसमें अभी कम प्राइस पे फायदा उठा सकते हो। आगे बढ़ते, जयप्रकाश वेंचर पावर वेंचर से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इनकॉर्पोरेटेड 1894 और जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड ऑपरेट इन अ कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग, सीमेंट ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर हम बात करें कंपनी यहाँ पर पावर से रिलेटेड काम करती है और कोल माइनिंग, सैंड माइनिंग और सीमेंट से रिलेटेड भी काम करती है। और ये सारी चीजें आज के टाइम में अच्छा खासा बूम पे है, अच्छे खासे यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल हम बात करें तो ओवरऑल अच्छी चीजें यहाँ पर नजर आती है। आप चाहोगे तो आप यहाँ पर देखिए इनके प्लांट से रिलेटेड, तो यहाँ पर किस तरीके से थर्मल पावर कितने मेगावाट का यहाँ पर ऑपरेशन करते हुए नजर आते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा और आइडिया नजर आएगा कि ये जेपी पावर किस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है, किस किस चीज में काम करती हुई नजर आ रही है। पूरा एक आइडिया आपके सामने, एक पूरा प्रेजेंटेशन यहाँ पर नजर आ जाएगा इनके बिजनेस के बारे में, इनके पावर जनरेशन के बारे में। तो जाइए देखिए समझिए, आप पूरा एक आइडिया आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 12,288 करोड़ की कंपनी है, स्मॉल कैप है। जब मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हमारी एक्सपर्टीज इसमें है, ठीक है। हम इसलिए नाम आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। बाकी जब स्मॉल कैप की बात करूं तो याद रखिएगा जब शेयर भागता है तो बड़ा अच्छा नजर आता है कि 8 रुपए वाला स्टॉक कैसे यहाँ पर 23-24 रुपए हो गया, 300% के रिटर्न मिल गए कुछ ही दिनों में। बट जब गिरता है ना तो उसी तरीके से शेयर गिरता भी है कि कैसे 136 रुपीज वाला स्टॉक्स केवल 50 पैसे पे रह गया था, ठीक है ना। तो सही टाइम पे लेना और सही टाइम पे बेचना एक कला है, उसी चीज को आपको सीखना है और वही चीज में हम एक्सपर्ट है और वही चीज हम यहाँ पर आपको सिखाते भी है और बताते भी है। आगे बढ़ते हैं, जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पर देखिए 7 के PE पे है तो बड़ा सस्ता नजर आता है। इंडस्ट्रियल के PE 34 का है, बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी PE के बेस पे, ROC ROE के बेस पे यहाँ पर काम नहीं करना। आप इसके बेसिस पे काम करोगे ठीक है, लॉन्ग टर्म के व्यू से एक बार तक ठीक भी हो सकता है बट वो गलत भी हो सकता है, आप फंस भी सकते हो। तो ध्यान से सही से काम करिए। 37% का डेट है ना। और यहाँ पर हम बात करें चीजों की तो आपको समझ में आएगा इंट्रेंसिक वैल्यू 27 की है, तो 10 रुपए से तो यही चल रहा है, बुक वैल्यू के आसपास शेयर चल रहा है। 24 का हाई लगाया है, डिविडेंड कंपनी देती नहीं है क्योंकि कंपनी काफी टाइम से लॉस मेकिंग थी बट अब धीरे धीरे चीज चेंज हो रही है। यहाँ पर हम जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कंपनी की जो सेल्स है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो समझ में आएगा, कंपनी यहाँ पर 700-800 करोड़ तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 300-400-500-600 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर नेट प्रॉफिट करती हुई नजर आ रही है। मार्जिन कंपनी के अच्छे खासे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, एज वेल एज ईयरली बेस पर कंपनी का काम देखोगे तो वो भी यहाँ पर अच्छे काबिले तारीफ है। यहाँ पर कंपनी जो लगातार घाटा कर रही थी, दो 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 हजार करोड़ का घाटा किया करती थी, आज यहाँ पर 1,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो ये भी अच्छी बात है। रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, जो कम हो गए थे बीच में दोबारा बढ़ रहे हैं। बोरिंग जो 23,000 करोड़ की हो गई थी वो यहाँ पर धीरे धीरे करके 42,000 करोड़ के आसपास, सॉरी 4,200 करोड़ के आसपास की रह गई है। वो कैसे हुआ है, तो वो ऐसे हुआ है कि इन्होंने अपनी जो फिक्स एसेट थी, कुछ एसेट थी वो यहाँ पर बेची है।
यहाँ पर बात कर रहे हैं कंपनी की और चीजों की, तो यहाँ पर समझ में आएगा वर्क इन प्रोग्रेस में 240 करोड़ रुपए, 525 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, और कैश की बात करें 1000 करोड़ के आसपास का कैश भी पड़ा हुआ है। पॉजिटिव कैश फ्लोज नजर आते हैं 2-2 हजार करोड़ के आसपास के, और यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 24% के आसपास की है। एफआईज लगातार हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा 0% से 7%, 7.5% तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। इनमें नाम जानना चाहते हो तो इनके इधर जाइए तो आपको नाम पता चल जाएगी। डीआईस की बात करें, डीआईस थोड़ी सी हिस्सेदारी बेची है, 18% के आसपास रह गए हैं। पब्लिक के पास हिस्सेदारी बढ़ रही है, नॉर्मल कह सकते हैं 50% की हिस्सेदारी है, उनमें भी यहाँ पर आप देखिए जेपी वीएल ट्रस्ट के पास 5 है, महा बादल कंस्ट्रक्शन के पास लगभग 1.44% की होल्डिंग है। यहाँ पर इनकी जाइए तो आपको समझ में आएगा कि जो ट्रस्टी है वो पहले 2022 में अच्छा खासा बेच भी रहे थे। ब्लॉक डील में देखना चाहते हो तो ये पुरानी है सर, बल्क डील में देखोगे तो बाइंग सेलिंग चलती रहती है, ठीक है, कि कभी बाई कर लिया कभी सेल कर लिया, ये चलता रहता है, ठीक है, तो इसे भी यहाँ पर इग्नोर करते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करें, दिसंबर 2023 में कनेक्टिव पर्सन है उर्वशी गौर ने, उन्होंने 2 लाख शेयर 12 रुपए के हिसाब से बेचे थे, उसके बाद तो शेयर यहाँ पर डबल भी होता हुआ नजर आया, ठीक है, और उससे पहले यहाँ पर खरीदे भी गए थे, तो इसे भी यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल हम यहाँ पर बात करें तो बाइंग सेलिंग यहाँ पर चलती रहती है, चीजें धीरे धीरे ठीक हो रही है, मुझे लगता है अगला क्वार्टर भी अच्छा होगा, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर शायद प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, बट चीजें घाटे से यहाँ पर आप देखोगे ना, जो कंपनी लगातार घाटा कर रही थी वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, तो इसकी तरफ गौर फरमाया जा सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल फंडामेंटल धीरे धीरे सुधर रहे हैं, ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना डेट रीपेमेंट कर दिया है, डेट जैसी कम हुआ है तो चीजें अच्छी हुई है। बात करते हैं यहाँ पर कंपनी के चार्ट से रिलेटेड, चार्ट क्या कह रही है, बट उससे पहले रिक्वेस्ट है एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन कौन रहे ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, सीखना है, वीडियोस देखनी है, नंबरों को नोट करना है, सीखने के लिए कोर्स की ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जेपी पावर की हम बातें करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेपी पावर हम देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पर चीजें और अच्छा खासा भाग चुकी है, भागने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, गिर के कंसोलिडेशन हो रहा है, स्टेज 1 में, यहाँ पर स्टेज 4 में ही एक तरीके से यहाँ पर चीजें चलती हुई नजर आ रही है, ठीक है। एज सच अभी कुछ बेकार होता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, वो ही सपोर्ट को यहाँ पर फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी क्या है, अगर कोई यहाँ पर पोजीशन बनाना चाहता है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है, मेरे कहने पर नहीं लेना, या हम स्टॉक्स काफी बार बता चुके हैं वैसे, बट हम देखिए तो आपको रिस्क को मैनेज करना है। 17.50 रुपए का, ठीक है, जो कि लगभग लगभग 41 पैसे होते हैं, 41 पैसे का आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, जो कि 2-3% का रिस्क होता है, और जैसी चीज धीरे धीरे बढ़ेंगी तो सबसे पहले टारगेट यहाँ पर 20 रुपए, फिर उसके बाद 21 रुपए, और यहाँ पर 24 रुपए तक, 23 रुपए, 24 रुपए तक जा सकता है, जो कि लगभग 32% के रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं। बट चीजें जब एक बार इस दायरे को तोड़ेगी ना, याद रखिएगा ये दायरा जब टूटेगा तो बात बहुत दूर तक जाएगी, और बहुत दूर तक जाएगी अगर कंपनी के फंडामेंटल फाइनेंशियल ने सपोर्ट किया तो फिर ये टारगेट है ना वो चेंज होते हुए नजर आएंगे। और वो टारगेट क्या होंगे, वो टारगेट ये होंगे कि सबसे पहला टारगेट ही यहाँ पर 26 रुपए का होगा, 26 रुपए के बाद यहाँ पर जो टारगेट है यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने लगा रखा है 47 रुपए का होगा, फिर 49 रुपए का होगा, फिर 53 रुपए का होगा, ठीक है, फिर शेयर यहाँ पर 75 रुपए तक भी जा सकता है, और फिर लास्ट में 84 रुपए भी जा सकता है, और 84 एंड नहीं होगा, फिर यहाँ पर 150 से 200 की तैयारी होगी, ठीक है। बट क्या इतना आसान है, बिल्कुल भी नहीं, बहुत चीजें यहाँ पर देखनी होगी, बहुत चीजों को यहाँ पर सोचना होगा, समझना होगा, कंपनी को अच्छे तरीके से ट्रैक करना होगा, कंपनी के बारे में पढ़ना होगा, और कहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए रेटिंग एजेंसी क्या कर रही है वो पढ़ लीजिए, फाइन इनकी एनुअल रिपोर्ट है वो पढ़ लीजिए, यहाँ पर क्या आउटकम आ रहा है वो पढ़िए, जितना पढ़ेंगे उतना और ज्यादा कंपनी के बारे में यहाँ पर समझेंगे। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजें अच्छी है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ पर अच्छी नजर आती है, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करेंगे तो यहाँ पर और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, मेरे कहने पर, किसी और के कहने पर बाइंग नहीं करनी है, है ना, आपको सीखना है, समझना है और उसके हिसाब से काम करना है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट, नंबरों को नोट करो, इन नंबरों यहाँ पर काम करिए, साथ में सीखिए, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।